हमने क्या लिखा? एसी सर्किट, एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज, असल में क्या हो गया? हम लोग कर रहे हैं इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस दोनों को सीरीज में लेकर के, हमने इंडिविजुअल पढ़ रखा है, ठीक है, हमने इंडिविजुअल पढ़ रखा है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं दो दो का कॉम्बिनेशन, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन हमने लिया है रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। किसका लिया है मैंने? रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस को कंबाइन करके लिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका इंडक्टेंस। दोनों को सीरीज में डाल करके हमने इसको पावर सप्लाई क्या दिया है? पावर सप्लाई हमने दिया है एसी, यानी कि ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या दिया है मैंने? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी मैंने दिया है, ओके। अब ये आर है आपका, ये आपका एल है, ठीक है। अब इसको मुझे सोल्व करना है, इसको मुझे सोल्व करना है, आया समझ? अभी तो सोल्व करने के लिए बहुत इजी मेथड है, हम फेजर डायग्राम से इसको सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको हम फेजर डायग्राम से सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान दो, अगर मैं करंट इसमें ऐसे पास हो रही है, ये आपका करंट जा रहा है बाबू आई, अब मुझे बताएगा इसमें अगर करंट इधर है रेजिस्टेंस में तो इसमें वोल्टेज किधर होगा, ये बताएगा कौन? अच्छा बताएगा, बताओ बाबू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस किधर होगा, किस डायरेक्शन में? अवीन बताएगा, अवीन आए का करो तुम डायरेक्शन। भी। हाँ बेटा, बी आर, बी आर वोल्टेज का। और श्रवण तुम कभी आता है कभी नहीं आता है क्या भाई? वो तो पूरा ईद का चांद हो गया है, नहीं कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, रोज तो नहीं दिखना भाई ईद का चांद, नहीं है श्रवण? क्या बात है? अच्छा नहीं सर, प्रॉब्लम तो अब रोज दिखेगा, ठीक है चलो। हाँ गुड्डू बताएगा, बताओ गुड्डू इसमें वोल्टेज का डायरेक्शन किधर होगा? तरफ का आई है ना उसी तरफ का। क्या बात है, क्या बात है। हाँ गुड्डू लगता है पढ़ने लगा। ये क्या हो गया बाबू? ये वी आर भी इधर ही होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा इंडक्टर में करंट अगर इधर है तो इसमें वोल्टेज किधर होगा, ये कौन बताएगा? चांदनी बता देगी, बताओ चांदनी, तुम बताओ। अंजलि तुम बताओ। अंजलि तुम बताओ, नहीं पता। पूजा तुम बताओ। बार और क्वेश्चन बोलिए क्या बोल रही हो? क्वेश्चन तो, एक एक बार और बोलो। मैं बोल रहा था करंट इधर जा रहा है इंडक्टर में, इसमें वोल्टेज का डायरेक्शन किधर होगा? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वीएल किधर होगा? सर उसी साइड उसी साइड होगा, ओके। आशिका तुम भी बताओ किधर होगा? अच्छा साहुल, तुम जब लोड करते हो ना, सर। हाँ
तो तुम्हारा क्या होता है, साइड में तुम्हारा ये आता है ना लोगों का, उसको नीचे करके रखना है ना, उसको डाउन करके रखना, ठीक है। हाँ वो बताओ बताओ आशिका, नहीं अभय बताएगा। जिस तरफ फाइव, सर 90 डिग्री मतलब नीचे नीचे और कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, लाइक कर जाएगा, लाइक कर जाएगा, कौन सा बोलो 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 हैं, कौन बता रहा है हैं? दोस्त लोग भी ढीला है क्या, जल्दी बता भी नहीं पा रहे हैं है भाई, और तुम भी दोस्त के भरोसे कूद गया मैदान में है? अच्छी बात है बेटा, पढ़ाई करो तुम है ना। और कौन बताएगा, बाकी लोग सो रहे हैं उसमें से कोई बताएगा, पूरी गाड़ी नहीं इनमें सब। सर अपोजिट में जाता है। क्या क्या अपोजिट, अपोजिट अपोजिट कौन बोल दिया भाई हैं? श्रवण, ये भी अच्छी बात है। इसने यहां बताएगी, इसने यहां बताएगी, आवाज आ रही है, सो गई, छोड़ो। किरण बताएगी, बताओ किरण तुम ही बताओ। सर क्वेश्चन एक और फिर से बोलो, क्वेश्चन फिर से बोलो, अब मैं सीधे आंसर बताऊंगा ठीक है। चलो बहुत टाइम वेस्ट करो तुम लोग, इसका मतलब यह है कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो घर में, बहुत से लोग, कुछ कुछ लोग को छोड़ करके पढ़ाई नहीं कर रहा है अभी मन से, ठीक है बहु पढ़ाई करो। देखो मैंने बोला था कि इंडक्टर में करंट लैग करता है, क्या करता है, इंडक्टर में करंट लैग करता है, एल लैगिंग, एल फॉर लैगिंग। अब बोलो सर एल फॉर लीडिंग भी तो होता है ना, ठीक है तो आपको याद रखना है एल फॉर लैगिंग याद रखना है, ठीक है एल फॉर लैगिंग, ये लैग कर रहा है करंट, इसमें लैग करता है 90 डिग्री से, तो वोल्टेज किधर होना चाहिए, आगे होना चाहिए ना, ऊपर होना चाहिए,
चलो अब अगर मेरा ये ड्राइंग क्लियर है, अगर मुझे ये समझ में आ रही है तो मैं ऐसे ही ड्राइंग बनाता हूं, ठीक है। मान लिया जाए आपका, मैं करंट के हेल्प से बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, मैं करंट को ले लूंगा एक, मान लूंगा किसी डायरेक्शन में, क्योंकि करंट दोनों में सेम होता है सीरीज होने के वजह से, सीरीज में क्या होता है करंट सेम होता है, इसलिए मैं करंट मानूंगा, क्या मानूंगा, मैं करंट मानूंगा। तो मान लिया जाए करंट इधर जा रही है, इसमें करंट का डायरेक्शन सपोज इधर है, एनी प्रॉब्लम किसी को, अगर करंट इधर है तो वीआर भी क्या होगा, वीआर भी इधर ही होगा, ये आपका वीआर हो गया, करंट के डायरेक्शन में वीआर भी हो गया और ये आई तो इधर है ही। अब इसका काम हो गया, अब इस पे आते हैं। आई मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है क्योंकि तो आई का डायरेक्शन और सब कुछ सेम होगा क्योंकि सीरीज में है। बात आ रही है कहां, वीएल, ये वीएल किधर होगा, ये वीएल होगा आई से 90 डिग्री लीडिंग, करंट लैग कर रहा है ना, उसी को दूसरे भाषा में क्या बोलूंगा, वोल्टेज लीड करता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो वीएल किधर होगा, वीएल होगा यहां से सीधे 90 डिग्री, बात समझ आ गई सबको, किसी को दिक्कत है अब तू इस ड्राइंग में, किसी को इस ड्राइंग में दिक्कत है बाबू, चलो अगर दिक्कत नहीं है तो अब आपको पता है कि ये आर, ये वी आर और वी एल मिलकर के, दोनों मिलकर के क्या होना चाहिए, ई के बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ई के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो वोल्टेज है वो इन्हीं दोनों में तो बटा है, इन्हीं दोनों में तो बटा है, मुझे लिखना चाहिए E बार इज इक्वल टू वी आर बार प्लस वी एल बार, क्योंकि मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं इसलिए मुझे डायरेक्शन के साथ ही ऐड करना चाहिए, वी आर प्लस वी एल इज इक्वल टू ई। तो इन वी एल और वी आर को अगर मैं ऐड करता हूं तो पैरेललोग्राम मेथड से करूंगा, आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, तो क्या हो गया, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है, और ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है, करेक्ट है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ई बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे ई, ठीक है, ओके। ये हो गया वी आर और ये हो गया वी एल, ओके, एनी प्रॉब्लम किसी को भी अप टू हेयर, ये 90 डिग्री है ध्यान रखना, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है ना, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ई वेक्टर को मैं चाहूं तो मैं ऐसे लिखूं, क्योंकि ये आपका वेक्टर सम है, इसका क्या लिखना चाहिए मुझे, इसका लिखना चाहिए ई नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी मैं मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं और उसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम में। अब इसको क्या लिखूंगा, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट आर, क्या होगा इसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वी इज इक्वल टू आई आर, मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस, इसमें क्या लिखना चाहिए एल में, आपको पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आई नॉट इंटू एक्स एल होता है, क्या होता है, जो आर का रोल प्ले करता है रेजिस्टेंस में, वह इंडक्टर में एक्स एल रोल प्ले करता है, तो आई नॉट इंटू एक्स एल है वोल्टेज ड्रॉप, इसका स्क्वायर कर दूं मैं, कोई दिक्कत है अप टू हेयर एनीबडी, किसी को समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछेगा भाई, ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको समझ में ना आए, ठीक है, हाँ बोलो, लैग मतलब क्या होता है, लैग मतलब पीछे,
ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ पे, यहां से क्या कर सकता हूं मैं, आई नॉट स्क्वायर को लेकर के नीचे कर दूं तो क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो गया। और अगर मैं स्क्वायर रूट ले लू दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आया समझ में? अच्छा, अब ई नॉट क्या है, ई नॉट है इस पूरे सर्किट में सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई है, ठीक है। आई नॉट क्या है, आई नॉट है इसी सर्किट में मैक्सिमम करंट सप्लाई। तो आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V बाई आई को हम क्या बोलना चाहिए, मुझे R बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, R बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, यस और नो? इसका मतलब ये हुआ कि ये V बाई आई यानी E बाई आई जो है ये क्या हो गया, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, पूरे सर्किट का ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, है ना। अगर केवल R होता तो ये जीरो कर देते तो R आता केवल, अगर केवल इंडक्टर होता था तो R जीरो कर दो तो क्या निकल जाएगा, एक्सएल आता था जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ इंडिविजुअल में। लेकिन जब दोनों को मिला दिया है मैंने, जब मैंने दोनों को मिला दिया है ना, तब क्या होगा, तब उसका इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से होगी। क्लियर हो गया, डन हो गया, आई नॉट आर का होल स्क्वायर, आई नॉट एक्सएल का होल स्क्वायर, करेक्ट है, सॉरी। तो यहां पर क्या हो गया हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी सीरीज में जो है ना, ये क्या हुआ, ये सीरीज में जो है आपका वो कंबाइंड करके जो आ रहा है वो क्या आएगा, अब ये आएगा, है ना। यानी अगर रेजिस्टेंस भी रहे और इंडक्टेंस भी रहे तो उसका इक्विवेलेंट जो R का रोल प्ले करेगा वो अब ये होगा, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं इंपीडेंस, क्या नाम देंगे इसको, इसको हम बोलेंगे इंपीडेंस बोलेंगे। तो लिखो यहां पर, लिख लो यहां पर क्या होगा, ये होगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, इसको बोलेंगे जेड, ठीक है। ई नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, इसको हम बोलेंगे इंपीडेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इंपीडेंस। यानी कि अगर कहीं पे रेजिस्टेंस के अलावा, है ना, रेजिस्टेंस के साथ में कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो या तीनों हो, तो जब भी मिक्सअप हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इंपीडेंस बोलेंगे। फिर उसमें केवल रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, केवल कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं लेंगे, केवल इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं लेंगे, उनका कंबाइंड लेंगे। और कंबाइंड कैसे निकालेंगे, इस तरह से, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको हम नाम देंगे इंपीडेंस बोलेंगे। फिर यानी इक्विवेलेंट आर की जो बात हो रही थी अब वो इससे निकाला जाएगा, क्या होगा,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो बात हो रही थी, अब वो ये काम करेगा, जेड काम करेगा। यानी मैं लिख सकता हूं ई नॉट आई नॉट इज इक्वल टू जेड, और जेड की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। यानी कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस अगर दोनों रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस रोल प्ले करेगा वो अब ये हो जाएगा, और इसको नाम देंगे इंपीडेंस, जेड से रिप्रेजेंट करेगी। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलेगा बाबू, एनीबॉडी, क्लियर है, डन। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सर जेड तो निकल गया, इट्स ओके फाइन, है ना, तो आई नोट भी कभी निकालना होगा तो हम निकाल लेंगे, ये एक रिलेशन आ गया, है ना, ई बाई आई इक्वल टू आर के जगह पर जेड आ गया, इट्स ओके। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि अब अगर आपने R और L दोनों लिया था, R और L दोनों लिया था, तो अब इसमें बताया जाए कि करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल क्या होगा। तो I इधर है बाबू और E इधर है, एंगल कितना हो गया, ओनली दिस मच, दिस इज लेस देन 90 डिग्री, लेट अस कॉल इट पाई, लेट अस कॉल इट पाई, 90 से कम है, क्यों बाबू, क्योंकि रेजिस्टेंस बोल रहा है कि आप वोल्टेज के डायरेक्शन में चलो, करंट, है ना, ऐसा में, लेकिन इंडक्टर क्या बोलता है, इंडक्टर बोलता है 90 डिग्री पीछे चलो, इंडक्टर क्या बोलता है, इंडक्टर बोलता है कि करंट को 90 डिग्री पीछे चलना चाहिए, रेजिस्टेंस बोलता है कि अलोंग द सेम डायरेक्शन चलना चाहिए। अब क्या होगा भाई, अब दोनों में लड़ाई होगा, लड़ाई होगा क्या होगा, दोनों में कॉम्प्रोमाइज होगा, और कॉम्प्रोमाइज में क्या होगा, ना ही जीरो पे चलो और ना ही 90 डिग्री लैग करो, क्या होगा, अब इनके बीच में चलो, कहीं भी कहीं भी, तो देखो आ गया बीच में, ये क्या हो गया 90 से बीच में आ गया, ना ही जीरो है ना ही 90 है, क्या हो गया, कुछ और एंगल आ गया, लेस देन 90 डिग्री, क्या आ गया बाबू, दिस इज लेस देन 90 डिग्री। अब सवाल ये उठता है कि लेस देन 90 कहने से तो काम नहीं चलेगा, हमें तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, वेरी मच क्लियर, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या दिख रहा है आपको, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में मैं फाई को टैन फाई लिख दूं चलेगा, तो क्या हो जाएगा, टैन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, इसमें परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी वीएल बाई वीआर, होगा नहीं होगा, यस और नो, यस और नो, वी नॉट बाई, ये मैक्सिमम वैल्यू था, तो क्या हो जाएगा, ये दिस विल बिकम आई नॉट इनटू एक्सएल आई नॉट बाई आर, कैंसिल हो गया आई नॉट, तो यहां से फाई क्या हो गया, फाई आ गया आपको टैन इनवर्स एक्सएल बाई आर आ गया। किसी को डाउट है तो पूछेगा टू हियर, एनीबॉडी, बेटा एक एक चीज समझना है, क्योंकि टेस्ट मैं लूंगा, नंबर कम नहीं आने चाहिए, और टेस्ट जो लूंगा वो यही से लूंगा जो मैं समझा रहा हूं, अच्छे से समझना है, नहीं आया पूछो, समझ गया, अप टू हेयर बताओ, किसी को डाउट है तो, एनीबॉडी एनीबॉडी, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो यहां पर, अब यहां पर जो I का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होगा वो क्या होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट कहां से निकालोगे बाबू, आई नॉट निकालने के लिए आप ये काम करना, E नॉट बाई जेड कर लेना, क्या करना, E नॉट बाई जेड से आप I नॉट निकाल सकते, तो I का इक्वेशन हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट इन टू साइन ओमेगा टी माइनस, चूंकि लैग कर रहा है करंट, यहां पर ईएमएफ से लैग कर रहा है, वोल्टेज से लैग कर रहा है, जब प्योर इंडक्टर था, प्योर इंडक्टिव सर्किट था, उसमें 90 डिग्री लैग करता था, तो मैं यहां पर माइनस पाई बाई टू करता, लेकिन ये प्योर इंडक्टिव नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस मिक्स है, इसलिए 90 से लैग नहीं करता है, 90 से कम से लैग करता है, फाई से लैग करता है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहां पर, यहां पर फाई लिखना चाहिए, ठीक है, फाई निकालने का शौक हो अगर तो आप यहां से खूब आराम से निकाल, एग्जैक्ट वैल्यू, एनी प्रॉब्लम किसी को,
अप टू हेयर एनीबॉडी, किसी को डाउट है तो पूछेगा। किसी को डाउट है? वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो उतार लिया। अब देखो अगर सबको समझ में आ गया है तो जो जो चीजें मैंने इसमें किया है डिटो सेम आपको करना है। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड ए कैपेसिटेंस इन सीरीज, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम, सेम प्रोसेस को फॉलो करते जाना है, थोड़ा सा चेंज आते जाए बस। अब सभी लोग खुद से बनाएगा, जो जो स्टेप मैंने किया है बिल्कुल सेम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर करके आपको ये सारी चीजें लिखनी है। सभी लोग फास्ट करो, सभी लोग फास्ट करो, मैं जिससे पूछूंगा फिर वो बताए, ठीक है। सभी लोग फास्ट करो, बिल्कुल सेम डिक्टो सेम, है ना। हमने इंडक्टर के लिए किया, अभी हम कैपेसिटर के लिए कर बस, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है वो हमने इंडिविजुअल पढ़ रखा है, कोई नई चीज नहीं आप लोगों के लिए। सभी लोग करो, फास्ट करो, खुद से करो, अगर समझ में आया तो बन जाएगा और नहीं आया तो मैं फिर से सिखाऊंगा। सब करो, बिल्कुल अच्छे से करो, बन गया सर। क्लियर है सर? बन गया। देखो अब देखो जो हमने किया उसमें, अब बिल्कुल उसको डिटो फॉलो करना, ठीक है।
देखो सभी लोग ना आधे लोग सो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है ना। भाई जानते हो एक चीज बताओ, जब रिजल्ट आएगा ना तो ये सब बातें याद रखना ठीक है। उस समय मुझे ये मत पूछना कि सर उसको आईआईटी हो गया, मेरे को आईआईटी नहीं हुआ। आपने उसको ज्यादा पढ़ाया था क्या? नहीं, मैं बराबर ही पढ़ाया था, आप शटर बंद कर लेते थे, ये याद रखना ठीक है। आप शटर बंद कर लेते थे, सूरज भगवान बराबर उगते हैं है ना, लेकिन आप घर में बैठोगे तो धूप नहीं लगेगी है कि नहीं। आप थोड़ा बाहर निकलिए, धूप बराबर दे रहे सूरज भगवान है ना, वो कोई पार्शलिटी नहीं करते। लेकिन आप रूम में घुस करके बैठे रहोगे है ना 4 दिन लगातार, और बोलोगे 4 दिन सूर्य भगवान निकले ही नहीं, तो ये आपकी टेंशन है ना, आपका पर्सनल टेंशन है ठीक है। दुनिया आराम से धूप खा रही है, मजे कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही आपको बेटा है ना, बहुत से लोग इसमें से आईआईटी निकल जाएंगे ठीक है, और बहुत से लोग को आईआईटी नहीं होगा। जिसको नहीं होगा वो अपना टेंशन अपना समझेगा ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग लक्षण नहीं सुधार रहे हो। कुछ लोग तो लक्षण ही नहीं सुधार रहा, नहीं सुधार रहा वो भाई, उसका बड़ा मुश्किल हो जाएगा है ना। मुश्किल होगा तो फिर आप रोते फिरोगे, फिर मुझसे क्वेश्चन मत पूछना क्यों नहीं हुआ है ना। जो हरकत कर रहे हो वो सब नोट रख, दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। आपका आंसर वही होगा जो आप हरकत कर रहे हो ना उल्टा सीधा, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके सी दिस योर आर एंड दिस इज सी। ओके अब क्या होगा यहाँ पे, फिर से वैसे ही करना है मुझे, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, होता ही होता है, होता ही नहीं होता है। अब क्या होगा यहां से, इसमें करंट अगर मैं इधर लेता हूं आई, तो आपको पता है वी आर भी इधर ही होता है, पता है बाबू। और अगर इसमें आई इधर ही होगा तो इसमें वी सी किधर होगा बाबू, इसमें क्या करता है करंट लीड करता है, तो करंट आगे रहना चाहिए तो वी सी पीछे रहना चाहिए, तो वी सी को नीचे कर दो बाबू 90 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत है? अब क्या होगा, अब इसी को मैं फॉलो कर लूं तो क्या हो गया, अगर मैं बोलूं ये करंट है ठीक है, तो वी आर भी इधर ही होगा और वी सी क्या होगा, करंट पे 90 डिग्री पीछे। अब क्या होगा, वी आर और वी सी को वेक्टर सम कर दूं तो E के बराबर होना चाहिए, ऐड कर दिया जाए, ये क्या हो गया, ये E के बराबर हो गया बाबू ठीक है। एनी प्रॉब्लम किसी को? अब क्या हो गया, जब ये E आ गया तो यहां साफ दिख रहा है करंट क्या कर रहा है, अभी भी लीड कर रहा है, करंट अभी भी लीड कर रहा है। अगर केवल कैपेसिटर होता तो 90 से लीड करता, लेकिन चूंकि यहां रेजिस्टेंस मिक्स है तो क्या करेगा, रजिस्टर बोलेगा नहीं भाई आगे मत चलो, साथ साथ चलो। और बीसी क्या बोलेगा, ये बोल नहीं 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 आगे चलो 90 डिग्री। तो क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा, तो ना 0 पे चलेगा ना 90 पे चलेगा, लेकिन बीच में चलेगा, लेकिन चलेगा तो आगे ही, चलेगा तो आगे ही है, तो इसलिए ये आगे चलेगा करंट। कितना से, 90 से कम होगा कुछ भी वैल्यू, मान लिया मैंने 5 ठीक है। अच्छा अच्छा इसमें भी वैसे ही करूंगा मैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर प्लस वी सी, और इसको मैं लिख सकता हूं ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स का होल स्क्वायर, और सिमिलरली आ जाएगा यहां पर ई नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट दैट इज अगेन वी विल कॉल इट इम्पीडेंस। फिर से मैं इसको क्या बोलूंगा, इम्पीडेंस ही बोलूंगा ठीक है। जेड को मैं बोलूंगा इम्पीडेंस ठीक है, क्लियर है, अगेन दिस इज इम्पीडेंस। सो अगर हमारा आर और सी रहेगा तो क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है अप टू हियर, एनीबॉडी? बिल्कुल सेम किया, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है बाबू। अच्छा तो आई नोट क्या करोगे, आई नोट जब भी निकालना होगा तो ई नोट बाई जेड कर दोगे आप, और जेड निकालने का फॉर्मूला आपको यहां से पता चल गया ठीक है। अच्छा अब यहां पर सवाल ये उठता है कि करंट
अभी भी लीड कर रहा है 90 से नहीं फाई से। तो ये फाई कैसे निकाला जाए, अगेन सेम टैन फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, पी बाई बी, और पी क्या है यहां पर, ये बीसी है तो ये भी बीसी और ये तो वी आर है, तो क्या हो जाएगा बीसी बाई वी आर, यानी क्या लिखूंगा आई नॉट इंटू एक्सी बाई आई नॉट इंटू आर, कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया एक्सी बाई आर आ गया, क्या आ गया एक्सी बाई आर आ गया है। और यहां से मैं आराम से लिख सकता हूं टेन इनवर्स एक्सी बाई आर लिख सकता हूं। और अगर आई की बात किया जाए, इंस्टेंटेनियस करंट की बात की जाए, तो आई इज इक्वल टू होना चाहिए आई नॉट साइन ओमेगा टी, नाउ इट्स लीडिंग, लीडिंग मीन्स क्या होगा प्लस, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली और प्योरली कैपेसिटी, दिस इज मिक्स, सो दिस विल नॉट लीड बाई द 90 डिग्री बट इट विल लाई, इट विल लीड विथ सम अदर एंगल लेस द 90 एंड इट्स फाइव, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस, सो यू कैन पुट द वैल्यू हियर, सो दिस विल बिकम आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सो सिंपल। अब इसमें बताएगा इसमें किसको समझ में नहीं आया, एनीबॉडी, कोई ऐसा है बच्चा जिसको समझ में नहीं आया, पूछेगा ईमानदारी से, समझना जरूरी है। रचित क्लियर है, ऋतिक, अजय, यस सर, और बादल सो गया क्या भाई, अच्छी बात है। यस, ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया किसी कोई भी चीज इसमें, क्लियर है, चलो ऐसे क्वेश्चन करें कुछ प्रैक्टिस, अब हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ कि हम हर जगह टैन फाइव निकाल रहे हैं, ठीक है, इसको अगर चाहें हम तो देखो ये क्या होता है, आपको मैं इधर ये बोल सकता हूं कि ये आपका जेड होता है, ये आर होता है, एक्स सी है, यानी कि एक्स वी आर अगर इधर है तो आई इंटू आर इधर होगा, ठीक है, और आई इंटू एक्स सी इधर होगा, तो ये क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं इंपीडेंस ट्रायंगल भी तो मैं बना सकता हूं, ये बेस की तरफ क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, इसको मैं एक्सी बोलूंगा, इसको मैं आर बोलूंगा, ये आपका फाई है, तो टैन फाई क्या आया था एक्सी बाई आर आया था ना, टैन फाई क्या आया था एक्सी बाई आर, तो यहां से मैं कॉस फाई भी निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं ना, या साइन फाई भी निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी क्या हो जाएगा आर बाई जेड हो जाएगा, है ना, साइन फाई क्या हो जाएगा एक्सी वाई जेड हो जाएगा, है ना, तो आप ये भी निकाल सकते हो अगर कोई पूछ दे तो, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, बात तो एक ही है, ये डिपेंड करेगा कि आपको गिवन डेटा क्या है, ठीक है।
चलो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बनाओ, सभी लोग बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बनाओ सभी लोग, क्वेश्चन नंबर सभी लोग 18 बनाएगा। सबको आया? यस सर। कितना आ रहा है बाबू? 12 ओम। 12 ओम इज द करेक्ट आंसर। 12 ओम इज द करेक्ट आंसर। देखो जिसको नहीं बना वो देखेगा बाबू बोर्ड पे, कोई टेंशन नहीं है। क्या दिया हुआ है? व्हेन एन इंडक्टर एल एंड रेजिस्टर आर इन सीरीज आर कनेक्टेड अक्रॉस 12 वोल्ट, यानी आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू?
ये कितना दिया हुआ 12 वोल्ट, ये क्या दे? मैंने बोला था कभी भी कुछ ना लिखा रहे तो वह इफेक्टिव की ही बात करता है, यानी कि आरएमएस दिया हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है? एफ इज आल्सो गिवन हियर 50 हर्ट्ज। ओके, सप्लाई ए करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर फ्लोज इन द सर्किट, आई इज आल्सो गिवन 0.5 एम्पीयर। द करंट डिफर्स इन फेज फ्रॉम अप्लाइड वोल्टेज बाई पाई बाई 3 रेडियन। कितना डिफरेंस है? फाई इज गिवन हियर, फाई इज गिवन हियर पाई बाई 3। वाई फाई 90 से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये रेजिस्टिव है या कैपेसिटिव है, मतलब सॉरी इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है। प्योर रेजिस्टेंस नहीं है, प्योर कैपेसिटेंस नहीं है, प्योर इंडक्टेंस नहीं है, ये जरूर मिक्सअप है, तभी ये 90 और 0 के अलावा कुछ हो सकता है। पाई बाई 3 है यानी जरूर इसमें आर के साथ कुछ मिक्स है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है इंडक्टर तो ऑब्वियसली बात है इंडक्टिव, इट्स ओके। एल दिया हुआ है बाबू, एल है ना, ठीक है। अब क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। अब आर की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर निकालना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये है हमारा कि एक तो यहां से क्वेश्चन बना लेंगे हम, क्या करेंगे, यहां से कर सकते हैं tan phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, xl बाई r पहला इक्वेशन, और tan pi बाई 3 यानी tan 60 तो क्या हो जाएगा, रूट 3 इज इक्वल टू xl बाई r, नंबर वन इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ERMS दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो Z निकल जाएगा मेरा, तो Z क्या हो जाएगा बाबू, ERMS बाई IRMS, ये भी RMS ही दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 12/0.5 यानी 24। एंड व्हाट इज Z हियर, इफ इंडक्टर इज देयर देन ऑब्वियसली इट मस्ट बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 24, सो इफ यू स्क्वायर इट टेक द स्क्वायर बोथ साइड्स it will become r square plus xl square is equal to 24 into 24 number 2, okay। अब क्या करेंगे, अब यहां पर इसको सॉल्व कर दिया जाए, xl
चलो क्लियर है आपको, सभी लोगों को देख लो, सभी लोग उतार लो अच्छे से, कहीं पे किसी को डाउट है तो पूछेगा पहले। एनीबॉडी, कोई टफ क्वेश्चन था, इजी था? अर्चना समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? अभी मैंने आप लोगों को होमवर्क भेजा है जो आप लोग नेक्स्ट क्लास के पहले सबमिट करोगे, और आज का 30 क्वेश्चन है जिसे तुमने बना रखा है, 4-6 जो भी है आज तक, वो आज बिफोर 12 PM भेजोगे। ओके क्लियर है, डन। अभी ये बना लो फटाफट, 30 क्वेश्चन आज भेजना है, और उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन भेजा है वो अगले क्लास के पहले पहले सबमिट करना है, ठीक है? ओके चलो, हम अगले क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे और हम इसको खत्म करेंगे। हमारा टारगेट भी पूरा हो रहा है लेकिन डेट भी निकला जा रहा है, तो मैं भी आपको 29 है ना, 30 कल है ना, कल तो शायद मैं पूरा बिजी हूँ, 31 है आपका सैटरडे, क्लास होता है सैटरडे को? नहीं, सैटरडे को ओके, और आपको मैं ये चैप्टर को खत्म करूंगा। ओके तो हमारा 7 चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका फर्स्ट बुक यानी फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके तैयारी आप लोग कर रहे हो चैप्टर नंबर 4 का, इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, 74 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके एवरीबडी हैज टू स्कोर 75+, उसके 30 क्वेश्चन आज बनाओगे और बाकी आप लोग उसको तैयारी करो जम करके, ठीक है? चलो ओके बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सर।